सर्दियों में गाजर का हलवा नहीं खाया तो फिर क्या खाया। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा और इजी तरीके से मैं आपको गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगी। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी यूज़ किया है। आपको जितना चाहिए उतना आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ 2 चम्मच घी लिया है। और गाजर को मैंने अच्छे से पहले वॉश करके 2-3 पानी से फिर उसको अच्छे से खींच लिया है। और अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। गाजर को नहीं धोओगे तो उसमें थोड़ा मिट्टी मिट्टी आपको लगेगा, इसलिए अच्छे से धो के फिर खींच लेने का। फिर इसको मैं अच्छे से भून लूँगी घी में। 15 से 20 मिनट हम ऐसे ही कड़छी चला के अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो। तो आप देख सकते हैं मैंने 15 से 20 मिनट इसको अच्छे से भून लिया है और इसका कलर एकदम चेंज हो गया है और अच्छे से भून भी गया है। फिर हम इसमें दूध 1 गिलास डालेंगे। फिर इसको भी 10-15 मिनट ऐसे ही चलाएंगे जब तक घी हलवा न छोड़े तब तक हम इसको भूनेंगे और ढक के रह देने का। थोड़े थोड़े देर में इसको चेक करके और चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे, क्योंकि अगर हम इसको नहीं चलाएंगे तो नीचे कढ़ाई के नीचे चिपक जाएगा। आप इस तरह से बनाओगे तो हलवा बहुत अच्छा बनेगा। और हम इसको अभी ढक देते हैं और थोड़े दिन पकने के बाद फिर उसको ओपन करके देखते हैं। तो आप भी देख सकते हैं, आप ऊपर घी भी दिख रहा है। और हम इसमें 1 कटोरी शक्कर डालेंगे। आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हो और गुड़ भी डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ शक्कर यूज़ किया है। आप देख सकते हैं अभी घी छोड़ रहा है। अब थोड़ी मैं 1/2 कटोरी मलाई यूज़ करूँगी, जो हमारे घर में अवेलेबल है वो ताज़ी मलाई आप यूज़ कर सकते हैं या कंडेक्स मिल्क भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। आपके हिसाब से आपको जो यूज़ करना है आप कर सकते हैं। इसमें इलायची भी मैंने डाली है, पर वो मैं क्लिप लेना भूल गई हूँ। थोड़ा सा मिठास में थोड़ा सा अगर नमक डालते हो तो जो भी हम मीठा बनाते हैं उसका टेस्ट और भी अच्छा बन जाता है। तो यहाँ मैंने नमक यूज़ किया और आप देख सकते हैं घी पूरा छोड़ दिया हलवे ने। और अभी मैं इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स यूज़ करूँगी और इसको अच्छे से मिला लेंगे हम। तो हलवा बनाने में 1/2 आवर लग जाते हैं, पर हलवा बनाने टाइम बहुत टाइम भी लगता है, पर एकदम अच्छे से बनेगा आपका हलवा। और आप देख सकते हैं हलवा यहाँ रेडी हो चुका है। हलवा बनाना थोड़ा सब्र का काम है, पर इस तरह से बनाओगे तो एकदम टेस्टी आपका हलवा रेडी हो जाएगा।